तो दोस्तों आज कुछ अच्छा न्यूज़ देना है आप सबको, मतलब एक आशा का किरण दिखने लगा है इंडियन फुटबॉल के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं असल में ये रे ऑफ होप क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमोदीप और मैं आप सभी को इंडियन स्पोर्ट 360 की और एक ब्रांड न्यू एपिसोड पे वेलकम करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट था, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है इंडियन फुटबॉल के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट्स लाने में। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंट हियरिंग के लिए अपील किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सस्पेंशन लेटर मिलने के तुरंत बाद ही, और सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग था। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है इंडियन गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा कि गवर्नमेंट एंड सीओए फीफा के साथ कंटिन्यूअस बातचीत कर रहा है, जहां पे गवर्नमेंट का रोल बहुत ही अहम हो जाता है और हमारे डिप्लोमेट्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फीफा को समझाने में लगभग सक्षम होते हुए दिख रहा है और बर्फ धीरे धीरे पिघल रहा है, ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और हमारे सॉलिसिटर जनरल ने नेक्स्ट वीक तक का एक टाइम पीरियड सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए कहा है। तो नेक्स्ट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में मंडे को। और दोस्तों हम आप सबको ये भी बता देना चाहेंगे कि ये जो बैन लगाया गया था इसके जस्ट कुछ ही घंटे पहले फीफा के साथ सीओए एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का एक मीटिंग हुआ था, जहाँ पे सीओए को फीफा ने 11 सजेशंस दिया था एंड सीओए भी मान लिया था फीफा के सारे ऑब्जेक्शंस। तो इस तरह से सारे पार्टीज के बीच एक एग्रीमेंट हो चुका था, बट इसके बाद भी फीफा द्वारा उस टेम्पोरारी सस्पेंशन लेटर का भेजना बहुत ही इलॉजिकल है। सो जो भी है, ये बैन मैक्सिमम 2 वीक के लिए हो सकता है, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा रहेगा, बट 85 ईयर्स के फुटबॉल के इतिहास में हमारे देश के ऊपर ये एक काले धब्बे की तरह है, जिसका निशान तभी हट सकता है जब इंडियन फुटबॉल कुछ अचीव कर लेगा। और दोस्तों इस बैन के कॉन्सिक्वेंस के चलते गोकुलम केरला एफसी गर्ल्स, जो उज्बेकिस्तान में एएफसी एशियन वुमेन्स चैंपियंस लीग खेलने गए हुए थे, वो अब अनसर्टेन हो गया है, बिकॉज कोई भी इंडियन क्लब दूसरे देश के क्लब के साथ एक्शन में नहीं एंगेज हो सकते हैं इस बैन के चलते। एंड एएफसी कप के इंटर जोनल सेमीफाइनल में एटीके मोहन बागान का भी मैच है सितंबर में, तो वहां पे भी सेम प्रॉब्लम होगा अगर बैन नहीं लिफ्ट होता है तो। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इस सिचुएशन को देख रहा है एंड सॉल्व करने की हर संभव कोशिश में लगा हुआ है। और दोस्तों ये भी आशा रखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के हस्तक्षेप में सब कुछ सही हो जाएगा एंड इंडिया में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा और इंडिया इंटरनेशनल फुटबॉल में जल्द ही लौटेगा। तो इसी उम्मीद के साथ एक पॉजिटिव नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ आपको और किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।